स्काई न्यूज़ पंजाब एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। मैं शिव नारायण जांगड़ा। कांग्रेस के साबका कौमी प्रधान राहुल गांधी पंजाब विच तीजे दिन लगातार दौरे ते ने अते वख-वख किसानां नूं वख-वख थावां ते रैलियां नूं संबोधन कर रहे ने। अज जिला पटियाला दे दुद्धन साधा फ्रांस वाला विखे उन्होंने रैली नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि यह काले कानून हर हालत विच रद्द होने चाहिए ने क्योंकि यह किसान मारू राहुल। कुछ दिन से हमारी ये यात्रा चल रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, कमजोर लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण कर रही है। पिछले 6 साल इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर अरबपतियों के लिए किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अब कहीं भी अपना माल बेच सकता है। अरे भाई, सड़क नहीं होगी तो कहां जाएगा किसान, कैसे जाएगा किसान? सड़क बनी मंडी टैक्स से, मंडी टैक्स आपने खत्म कर दिया, सड़क को आपने खत्म कर दिया, और फिर आप कहते हो किसान जहां भी जाना चाहे जा सकता है। गलतफहमी है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे, 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीदे अपने चढ़ने के लिए। उधर चाइना घुसा है, हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और इधर हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदता है। उनको लगता है कि जहां भी जाना हो जा सकते हैं। यह आपकी लड़ाई है और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके बता रहा हूं। देखिए, फरवरी में मैंने बता दिया था कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था नष्ट होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने मेरा मजाक उड़ाया, बीजेपी के सब लोगों ने मजाक उड़ाया। 6 महीने बाद आपने देखा क्या हुआ। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। स्काई न्यूज़ पंजाब विच तुसी देख रहे सी पटियाला दे दुद्धन साधा फ्रांस वाला तो यह साड़ी खास पेशकश। अते इस तो बाद राहुल गांधी हरियाणा लई रवाना होंगे जिथे अज कुरुक्षेत्र विच उन्हां दी यह रैली समाप्त होवेगी। फिलहाल स्काई न्यूज़ पंजाब विच एना ही, तुसी देखते रहो स्काई न्यूज़ पंजाब।